हमारा घर हमारा विद्यालय, कक्षा 6 से 8, प्रयास पुस्तिका का आज हम प्रोजेक्ट कार्य ले रहे हैं। तो इसमें दिया है कि परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करिए। तो ये दिया गया है जी, सामग्री, फिर परिधि, व्यास, और परिधि और व्यास का अंतर देना है, ठीक है जी, भाग दे के। तो थाली दिया है, तो थाली नाप, कोई भी थाली ले लीजिए। यहाँ पर जो थाली नापी गई है उसकी परिधि है 100 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब होता है वो जो बड़ा घेरा आखिरी वाला, ठीक है। व्यास होता है जो ये वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने, यानी ऊपर से नीचे तक की जो सीधी सीधी दूरी होती है उसे व्यास बोलेंगे, ठीक है। और परिधि क्या बोलेंगे, वो जो चक्री का पूरा नाप, ठीक है। तो थाली में जो चक्री है वो है 100 सेंटीमीटर की, और व्यास में है सीधा सीधा नाप 32 सेंटीमीटर। तो परिधि और व्यास का जो व्यास का भाग देने पर क्या हो जाएगा, 100/32, और सब ये सेंटीमीटर में नापा जा रहा है, ठीक है। प्लेट नापी गई है यहाँ पर, तो वो 65 सेंटीमीटर की है, और उसमें व्यास मिला है 21, तो इसका जो अनुपात आया 65/21 सेंटीमीटर, ठीक है। साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया जो आप लोग चलाते हैं, उसमें जो नापा गया है वो 203 सेंटीमीटर का उसका परिधि है, और 65 सेंटीमीटर उसका व्यास है। तो इसका अंतर हो गया, अंतर बोलते हैं, इसका अनुपात हो गया 203/65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कटोरी एक कोई ले गई है, तो कटोरी में जो 38 सेंटीमीटर इसकी परिधि मिली है, 12 सेंटीमीटर इसका व्यास, तो 38/12 सेंटीमीटर जो है इसका क्या मिल गया, इसका अनुपात। भगोना या गंजा को लिया गया है, तो इसको 70 सेंटीमीटर इसका परिधि है, और 22 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो 70/22 इसका अनुपात हो गया। अब इडली स्टैंड का ढक्कन लिया गया है, तो इसमें जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, जो लेंगे उसका नाप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 74 सेंटीमीटर उसकी परिधि है, 23 उसकी व्यास है, तो 74/23 अनुपात में आ गया। टिफ़िन बॉक्स लिया गया है, छोटा टिफिन बॉक्स जिसमें खाना ले जाते हैं, तो गोल टिफिन बॉक्स का जो जो व्यास है, परिधि है वो 34 और व्यास 11 है, तो 11/34 सेंटीमीटर इसका ये क्या बोलते हैं, अनुपात हो गया। अब गिलास का मुंह, कोई गिलास ली गई, उसमें 22 सेंटीमीटर इसकी वो परिधि है, और 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो 22/7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया है, ये अनुपात। अब इसी का ये कह रहे हैं कि उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपने सारणी भरी है उसके आधार पर इसका जवाब देना है। तो किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, परिधि माने सबसे बड़ा परिधि किसका मिला था। तो देखिए यहाँ पर जो है परिधि सबसे बड़ी किसकी थी, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी परिधि में ये देखिए, ये साइकिल का पहिया 203, ये सबसे बड़ी है, तो हमको यहाँ पर ही लिख देना है। इसका पूछ नहीं रहा, केवल नाम पूछ रहा, तो साइकिल का पहिया की परिधि सबसे अधिक है। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, तो जरूर निश्चित रूप से साइकिल का जो पहिया था इसका व्यास ही सबसे ज़्यादा है। और उत्तर एक वाली परिधि सामग्री के परिधि के मान में उत्तर दो वाली सामग्री के परिधि सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। तो उत्तर एक वाली सामग्री के परिधि का मान कितना था, देखो जी यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, ये उत्तर एक वाला ये है, व्यास परिधि का इतना है और इसकी परिधि इतना है, व्यास इसका कितना है 21, ठीक है। तो इसका अंतर लिखना है, पहले लिखना उत्तर एक वाली सामग्री की परिधि का मान, तो 100 सेंटीमीटर। उत्तर दो वाली सामग्री के व्यास का मान, व्यास अभी अपन ने देख लिया ना 21, तो 100/21 इसका अनुपात हो जाता है, ये अनुपात कहलाता है। तो चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत हो गया परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। तो आप देखिए क्या ये जो अनुपात निकाला था उसमें कुल कितने थे, टोटल परिणाम 8 थे, इन सबको अलग से किसी कागज़ में भाग दे दीजिए
और जो आए तो चाहे ऐसे कर लीजिए, दशमलव कर लेंगे तो आपको ये 3.14 भाग देने के बाद मान प्राप्त हो जाता है। और ये सारा सेंटीमीटर में लिया था तो यहाँ भी आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए और इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहाँ r जो क्या होता है त्रिज्या कहलाती है। तो पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 माना जाता है। अब माना तो जाता ही है, परिणाम आपने साबित भी कर दिया। देखो 3.14 आपने भी निकाल लिया है, 3.14 होता ही है। इसका मतलब पाई जो है ये मान वैल्यू चाहे 3.22/7 रखे या 3.14, ये पाई का मान साबित होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब अगले प्रोजेक्ट में मिलते हैं अगले वीडियो में।